आज की वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन पे बात करेंगे तो समटाइम्स एक पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन जो है इट इज़ मेंटेन्ड क्योंकि डिफरेंट जीनोटाइप जो हैं दीज आर फेवर्ड एट डिफरेंट टाइम्स सो जीनोटाइप बेसिकली कोड फॉर फिनोटाइप्स सो जो पोलीमॉरफिज्म है डिफरेंट जो बॉडी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं विद इन अ सिंगल पॉपुलेशन उनका एक सेलेक्टिव एडवांटेज होता है और यही एक मैकेनिज्म जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन इस सिलेक्शन में क्या होता है कि एक अलील जो है वो जब रेयर है उस पॉपुलेशन के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इट हैज़ अ ग्रेटर सेलेक्टिव एडवांटेज देन व्हेन इट इज कॉमन इन पॉपुलेशन सो विद द पैसेज ऑफ टाइम उस अलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्लक्चुएट करती है जब फेवर हो रही है देन इट बिकम्स इट इंक्रीजेज उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करेगी अनटिल इट इज़ कॉमन जब वो कॉमन हो जाएगी फिर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज करने लग जाएगी जबकि और अल्टरनेटिव अलील जो है इट इज़ बीइंग फेवर्ड सो यहाँ पे हम दो तरह की जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन है उन पर बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रीडेशन और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रीडेशन अब प्रीडेटर्स जो हैं यूजली इन ये जो है वैरायटी ऑफ प्रे जो है इसके ऊपर फीड कर रहे होते हैं लेकिन ये जो एक प्रे टाइप है उसको ज़्यादा ऑफनली अटैक करते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स फॉर एग्जाम्पल जो कुछ मेम्बर्स हैं प्रे स्पीशीज के दे डिफर इन सम करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि कलर पैटर्न हो गया ठीक है तो प्रीडेटर जो है उसके ब्रेन में एक सर्च इमेज बना होता है जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म का होता है सो so, प्रीडेटर जो है ये कॉमन फॉर्म के ऊपर जो है ज़्यादा कंसंट्रेट करता है और जो लेस कॉमन फॉर्म है उसको इग्नोर कर देता है बिकॉज ऑफ द सर्च इमेज सो मोर कामन इंडिविजुअल आर प्रेफरेंशियली अटैक्ट सो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो कॉमन फॉर्म के इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर जो है उस पॉपुलेशन के अंदर वो डिक्रीज कर जाएगा एंड दिलील दैट कोड फॉर दैट पर्टिकुलर फॉर्म ऑल्सो डिक्रीज उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो भी डिक्लाइन कर जाती है सो एट दैट टाइम क्या हो रहा है कि रेयर जो फॉर्म है वो सर्वाइव कर रही है और सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर रही है सो विद सक्सेसिव जनरेशंस जो रेयर फॉर्म की फ्रीक्वेंसी है एबंडेंस है और अलीलिक फ्रीक्वेंसी है ये इंक्रीज कर जाएगी और प्रीडेटर जो है वो जब कॉमन हो जाएगी तो इट विल स्विच टू अ न्यू मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रे सो इट इवेंचुअली डिक्रीजेज इन नंबर एंड देन द साइकिल बिगनस अगेन यहाँ पे हम एग्जाम्पल जो डिस्कस करेंगे ये एक है एलन एलन बॉन एंड एलन कैमल इन्होंने 1998 में एक्सपेरिमेंट किया और इट सपोर्टेड द हाइपोथेसिस की फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रिडेशन जो है ये एक पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखती है वो किस तरीके से कि ब्लू जेस जो हैं ये मॉथ्स के ऊपर फीड करते हैं और जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मॉथ के ऊपर ये फीड करते हैं दैट इज़ अ डार्क मॉथ कैटोकोला रेलेक्टा और इसकी इमेजेस जो हैं इनको स्कैन करके डिजिटल इमेजेस बनाई गई और इसको मॉडिफाई करके फोर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मॉथ जो हैं ये जनरेट की गई और इनकी पिक्चर्स जो हैं ये टचपैड कंप्यूटर स्क्रीनस के ऊपर डिस्प्ले की गई और फिफ्थ फॉर्म जो है इट वाज ऑल्सो जनरेटेड विद ए सिमिलर मैनर लेकिन ये जो एक डिफरेंट स्पीशीज़ थी कैटोकोला uh, रेटेक्टा उससे ज़्यादा बिलोंग करती थी रिजम्बल करती थी सॉरी सो वर्चुअल मॉस जो हैं इनको अब कंप्यूटर स्क्रीनस के ऊपर प्रेजेंट किया गया अगेंस्ट फाइव डिफरेंट बैकग्राउंड्स ठीक है बैकग्राउंड्स भी चेंज किए गए जैसे कि नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है कि जो प्रे है ये अपने बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड कर जाता है कैमोफ्लेज कर जाता है जिसकी वजह से डिटेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होती सो so इसी तरीके से यहाँ पे भी जो बैकग्राउंड्स uh, हैं ये वेरी किए गए ये जेस जो हैं ये अपने जो स्क्रीन है इसके ऊपर अपने जो प्रे है मौत है इसके ऊपर पैक करते एंड द डेड मॉथ वॉज देन रिमूव फ्राम द डिस्प्ले और जे जो है इसको एक फूड रिवार्ड दिया जाता सो नंबर ऑफ मॉथ्स डिटेक्शन अब वो मॉथ्स जो कि बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो गई और दे इसकेप डिटेक्शन उनके ऊपर पैक नहीं किया ब्लू जेज ने तो इट रिप्रेजेंट्स के जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है उसके अंदर किस फॉर्म की यह जो है वो ज्यादा होगी सो ब्लू जेज जो हैं दे प्रेड अपॉन द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मॉथ्स और जब वो कॉमन फॉर्म जो है ये विद द सक्सेसिव अटेम्प ख़त्म हो गई और दूसरी जो फॉर्म है अल्टरनेटिव फॉर्म व्हेन दैट फॉर्म बिकेम लेस कॉमन सो ये क्या किया इन्होंने कि स्विच कर दिया टू अल्टरनेटिव फॉर्म जब पहले वाली जो कॉमन फॉर्म है वो लेस कॉमन हो गई सो so नेचर के अंदर भी इसी तरीके से जो प्रे पॉलीमफिज़म होता है ये मैंटेन्ड रहता है और इसकी वजह से जो जेनेटिक वेरिएशन है प्री पॉपुलेशन के अंदर ये भी मेनटेंड रहती है सो so, सिलेक्शन जो है इट एक्ट्स अपॉन द फिनोटाइप लेकिन एवोल्यूशन जो है इट हैपन्स थ्रू चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन ये एक टाइप ऑफ मेटिंग है और इसको हम जो है रेयर मेल इफेक्ट भी कहते हैं इस मीटिंग में क्या होता है कि वो मेल जिसका फिनो जो है दैट इज़ रेयर इन द पॉपुलेशन ही इन्जॉय मोर देन इज़ एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ मीटिंग्स मीन के इसके जो मीटिंग के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं सो so, जो रेयर फिनो के मेल जो अलील्स हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम उस पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज कर जाएंगी जब तक कि ये कॉमन नहीं हो जाती दस दे आर नो लॉन्गर फेवर्ड सो so, इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज गपीज जो कि पसीला रेटिकुलेटा स्पीशीज से बिलोंग करती हैं सो so, इस स्पीशीज़ में ये जो मेल कलरेशन है ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है विद इन अ सिंगल पॉपुलेशन सो so, एक्सपेरिमेंट किया गया कि फीमेल्स वर देन अलाउड टू तो एग्जामिन द मेल्स ठीक है मेल्स जो हैं डिफरेंट फिनोटाइप्स की उनको एग्जामिन किया थ्रू ग्लास पार्टीशन अब उसके बाद इनको चॉइस प्रोवाइड की गई फो टू मेट विद द मेल ऑफ फेमिलियर फिनोटाइप और अ नोवेल फिनोटाइप सो द फीमेल चोज नोवेल कलर पैटर्न्स ठीक है वो मेल्स जिनमें नोवेल कलर पैटर्न्स जो थे रेयर मेल्स थे उनके साथ मेटिंग को इन्होंने प्रेफर किया सो so इस तरीके से फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन जो है ये रोल uh, प्ले करती है इन मेनटेनिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पर ये जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंज टेल्ड है ये सब क्या है ये दीज आर द मेल्स और ये जो है दीज आर फीमेल्स बिल्कुल जो सिंपल हैं ओके वाइट ये ये फीमेल्स हैं एंड दीज आर मेल्स ये रेयर मेल है ओके okay. सो so, uh, ये एक्सपेरिमेंटल जेनरेशन है और ये इनके ऑफस्प्रिंग है सो so, रिप्रोडक्शन के बाद यहाँ पे ये जो ऑफस्प्रिंग की जो जेनरेशन है इसमें आपको जो फिनोटाइप नज़र आ रही है उसमें रेयर मेल की जो फिनोटाइप वाले इंडिविजुल्स हैं ये ज़्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू देर एक्सपेरिमेंटल जेनरेशन सो इट कैन बी सेट कि रेयर जो फिनोटाइप है इसको फेवर किया जाता है एंड विदिव जनरेशन जो रेयर फिनोटाइप है ये कॉमन हो जाती है और फिर अगर इसकी कोई अल्टरनेटिव फिनोटाइप हो तो दैट इज फेवर्ड नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेल फील्ड क्रिकेट्स की दे चिप बाय रबिंग टूगेदर अर स्पेशल फाइल और स्क्रेपर इनके जो विंग्स होते हैं इनके ऊपर एक स्क्रेपर होता है और थॉरक्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फाइल कहते हैं या आपस में रब करने से जो है ये साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं सो so ये जो कॉज प्रोड्यूस करते हैं दीज अट्रैक्ट द फीमेल्स सो मेल्स जो हैं अब वेरी कर रहे हैं इन द टाइम दे डिवोट टू कॉलिंग एवरी नाइट ठीक है सो so कुछ मेल्स हैं जो कि रेयरली या बिल्कुल ही जो है ये कॉल्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं और कुछ हैं जो कि रेगुलरली कॉल्स प्रोड्यूस करते हैं एवरी नाइट अबाउट टेन आवर्स सो so, अब कॉलिंग बिहेवियर जो है इसकी वजह से पैरासिटॉइड फ्लाइज जो हैं ये क्रिकेट्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और पैरासिटॉइडस जो हैं ये अपने एग्स जो हैं ये क्रिकेट्स के ऊपर ले कर देती हैं एग्स के अंदर से लार्वा इमर्ज करके मेल की बॉडी के अंदर चला जाता है और इवेंचुअली उसको विद इन अ वीक किल कर देता है सो so, जब पैरासीटॉइयड फ्लाइज की जो एबंस uh, है ये ज़्यादा एबंडेंट हैं उस हैबिटेट के अंदर तो कॉलिंग मेल्स जो हैं दीज आर सोन पैरासिटाइड्स और ये किल हो जाएंगे ठीक है इनकी डेथ हो जाएगी और जो मेल्स लेस कॉल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फेवर्ड होंगे वो फेवर्ड होंगे बिकॉज विद सक्सेसिव जनरेशन उनको uh, जो मेटिंग चांसेस हैं ड्यूरिंग देयर लॉन्गर लाइफ वो ज़्यादा पॉसिबल होंगे लेकिन जब पैरासोटाइट फ्लाइज जो हैं ये उस हैबिटेट में लेस कॉमन हैं रेयर हैं तो क्या होगा कॉलिंग मेल्स जो हैं दे हैव द दबियस एडवांटेज इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन है इसमें जो फ्रीक्वेंसी uh, होती है किसी भी फिनोटाइप की या किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर की एक पॉपुलेशन के अंदर वो इफ़ेक्ट कर रही होती है उस पॉपुलेशन में और जो सक्सेसिव जनरेशंस हैं उनके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन जो है उसको एक तो मेंटेन रखती हैं और दूसरा डिटरमिन करती हैं कि कौन से फिनोटाइप कौन सा बिहेवियर जो है दैट विल बी फेवर्ड एंड पासड ऑन टू द सक्सेसिव जनरेशंस